प्रभु मुझे सहारा है तेरा जग के पालनहार। कार्तिक मास महात्म्य की कथा करो विस्तार। कार्तिक मास कथा पांचवा अध्याय। राजा प्रभु बोले, हे नारद जी, आपने कार्तिक मास में स्नान का फल कहा। अब अन्य मासों में विधि पूर्वक स्नान करने की विधि, नियम और उद्यापन की विधि बतलाइए। देवऋषि नारद ने कहा, हे राजन, आप भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हैं, अतः यह बात आपको ज्ञात ही है। फिर भी आपको यथाचित विधान बतलाता हूँ। आश्विन माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक के व्रत करने चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जल का पात्र लेकर गांव से बाहर पूर्व अथवा उत्तर दिशा में जाना चाहिए। दिन में या सायकाल में कान में जनेऊ चढ़ाकर पृथ्वी पर घास बिछाकर सिर को वस्त्र से ढककर मुंह को भली भांति बंद करके थूक व सांस को रोककर मल व मूत्र का त्याग करना चाहिए। उसके बाद जो मनुष्य मुख शुद्धि नहीं करता उसे किसी भी मंत्र का फल प्राप्त नहीं होता है। अतः दांत और जीभ को पूर्ण रूप से शुद्ध करना चाहिए और इस मंत्र का उच्चारण करते हुए दातुन तोड़नी चाहिए। हे वनस्पति, आप मुझे आयु, कीर्ति, तेज, प्रज्ञा, पशु संपत्ति, महाज्ञान, बुद्धि और विद्या प्रदान करो। इस प्रकार उच्चारण करके वृक्ष से 12 अंगुल की दातुन ले। दूध वाले वृक्षों से दातुन नहीं लेनी चाहिए। इसी प्रकार कपास, कांटेदार वृक्ष तथा जले हुए वृक्ष से भी दातुन लेना मना है, जिससे उत्तम गंध आती हो और जिसकी टहनी कोमल हो, ऐसे ही वृक्ष से दंत धावन ग्रहण करना चाहिए। प्रतिपदा अमावस्या, नवमी, छठी, रविवार को चंद्र तथा सूर्य ग्रहण में दातुन नहीं करनी चाहिए। तत्पश्चात भली भांति स्नान करके फूल माला, चंदन और पान आदि पूजा की सामग्री लेकर प्रसन्न चित्त भक्ति पूर्वक शिवालय में जाकर सभी देवी देवताओं की अर्घ्य, आचमनीय आदि वस्तुओं से पृथक पृथक पूजा करके प्रार्थना एवं प्रणाम करना चाहिए। फिर भक्तों के स्वर में स्वर मिलाकर श्री हरि का कीर्तन करना चाहिए। मंदिर में जो गायक भगवान श्री हरि का कीर्तन करने आए हो, उनका माला, चंदन, तांबूल आदि से पूजन करना चाहिए, क्योंकि देवालयों में भगवान विष्णु को अपनी तपस्या, योग और दान द्वारा प्रसन्न करते थे, परंतु कलयुग में भगवत गुणगान को ही भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने का एकमात्र साधन माना गया है। नारद जी राजा पृथु से बोले, हे राजन, एक बार मैंने भगवान से पूछा कि हे प्रभु, आप सबसे अधिक कहाँ निवास करते हैं। इसका उत्तर देते हुए भगवान ने कहा, हे नारद, मैं वैकुंठ या योगियों के हृदय में ही निवास नहीं करता, अपितु जहाँ मेरे भक्त मेरा कीर्तन करते हैं मैं वहाँ अवश्य निवास करता हूँ। जो मनुष्य चंदन माला आदि से मेरे भक्तों का पूजन करते हैं उनसे मेरी ऐसी प्रीति होती है जैसे कि मेरे पूजन से भी नहीं हो सकती। नारद जी ने फिर कहा, शिरीष, धतूरा, गिरिजा, चमेली, केसर, कंदार और कटहल के फूलों व चावलों से भगवान विष्णु की पूजा नहीं करनी चाहिए। अड़हल, कंद, गिरीश, जूही, मालती और केवड़ा के पुष्पों से भगवान शंकर की पूजा नहीं करनी चाहिए। जिन देवताओं की पूजा में जो फूल निर्दिष्ट है उन्हीं से उनका पूजन करना चाहिए। पूजन समाप्ति के बाद भगवान से क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए, जैसे, हे सुरेश्वर, हे देव, न मैं मंत्र जानता हूँ न क्रिया, मैं भक्ति से भी हीन हूँ, मैंने जो कुछ भी आपकी पूजा की है उसे पूरा करें। ऐसी प्रार्थना करने के पश्चात साष्टांग प्रणाम करके भगवत कीर्तन करना चाहिए, श्रीहरि की कथा सुननी चाहिए और प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। जो मनुष्य उपरोक्त विधि के अनुसार कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करते हैं वह जगत के सभी सुखों को भोगते हुए अंत में मुक्ति को प्राप्त करते हैं। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। पांचवा अध्याय समाप्त। जय श्री राधे। कार्तिक की कहानी। दो सास बहुएं थी। कार्तिक मास आया तो सास बोली, मैं कार्तिक स्नान के लिए तीर्थ जाना चाहती हूँ। बहू बोली, मैं भी चलूंगी। सास बोली, तू अभी बहुत छोटी है, अभी मुझे जाने दे। सासू तीर्थ गई तो बहू कुमार के से 35 कुंडे ले आई। रोज एक कुंडा भर कर रखती, उधर गंगा में सासू जी की नथ गिर गई। बहू कुंडे में नहाती हुई बोली, सासू नहावे उंडे, मैं नहाऊं कुंडे। इतने में गंगा की धारा कुंडे में आ गई, साथ में सासू जी की नथ भी आ गई। बहू ने नथ पहचान ली और अपनी नाक में पहन ली।
महीना पूरा हुआ, सासू जी आई, बहू सामे लेने लगी तो सास नथ देखकर बोली कि तू यह कहाँ से लाई? तो बहू बोली, यह तो मेरे कुंडे में गंगा की धारा के साथ आ गई। पर सास ने कुछ ध्यान नहीं दिया। फिर सास बोली कि मुझे ब्राह्मण भोज करना है, तो बहू बोली कि सासू जी दो ब्राह्मण मेरे भी जिम्मा दो, मैंने भी कार्तिक स्नान किया है। तब सास ने कहा कि तूने कहाँ कार्तिक स्नान किया? तो बहू बोली, ऊपर चलो मैं आपको बताती हूँ। ऊपर गए तो देखा सारे कुंडे सोने के हो गए। बहू बोली, मैं रोज कुंडा भरकर रखती और सुबह जल्दी उठकर नहाती और उल्टा करके रख देती। तब सासू जी बोली कि बहू तू तो बहुत भाग्यवान है जो साक्षात गंगा जी तेरे पास आई। तूने श्रद्धा और विश्वास से कार्तिक स्नान किया तो भगवान ने तुझे फल दिया। दोनों सास बहू ने धूमधाम से ब्राह्मण जिमाकर दक्षिणा देकर विदा किया। हे गंगा मैया, जैसे बहू पर कृपा की, उसको कार्तिक स्नान कराया, वैसे हम सबको कराना। तुलसा जी की कहानी। कार्तिक के महीने में सब कोई तुलसा माता को सींचने जाती। सब कोई तो सींच के आ जाती, पर एक बुढ़िया माई आती और तुलसा माता से रोजाना कहती, तुलसा माता सत की दाता, मैं बिड़ला सींचू तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। तुलसा माता अड़ुआ दे, लड़ुआ दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंड का वास दे, चटके की चाल दे, पटके की मोत दे, चंदन का काठ दे, झालर की झिनकार दे, साई का राज दे, दाल भात का जीमन दे, ग्यारस का दिन दे, कृष्ण का कांधा दे। इतनी बात सुनकर तुलसा माता सूखने लगी। भगवान ने पूछा कि तुम्हारे पास तो इतनी औरतें आती हैं, तुम्हें जिमाती है, गाती हैं, तो भी तुम कैसे सूखने लगी? तुलसा माता ने कहा कि एक बुढ़िया माई आती है जो रोजाना इतनी बात कहकर जाती है। मैं और तो सब कुछ दे दूंगी, पर आप कृष्ण जी का कांधा कहाँ से दूंगी? थोड़े दिन बाद बुढ़िया माई मर गई। सब कोई उसको उठाने लगे, पर वह इतनी भारी हो गई कि उठे ही नहीं। सब कोई कहने लगे कि पाप घाट की माला फेरती थी जिससे इतनी भारी हो गई। भगवान बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके आए, सबसे पूछने लगे कि इतनी भीड़ क्यों हो रही है? सब बोले, एक बुढ़िया मर गई है, पापनी थी, इसीलिए किसी से नहीं उठती। तब भगवान बोले कि इसके कान में मुझे एक बात कहने दो तो यह उठ जाएगी। सब ने कहा, तू भी अपने मन की निकाल ले। भगवान ने जाकर उसके कान में कहा, बुढ़िया माई तू बिड़ला सींचे मेरा, मैं करूँ निस्तारा तेरा। बुढ़िया माई अड़ुआ ले, गड़वा ले, पीताम्बर की धोती ले, पटके की मोत ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंड का वास ले, चटके की चाल ले, चंदन का काठ ले, झालर की झिनकार ले, साई का राज ले, दाल भात का जीमन ले, कृष्ण का कांधा ले। इतना सुनते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान उसे कांधे पर ले गए और उसकी मुक्ति हो गई। हे तुलसा माता, जैसा उसकी मुक्ति करी ऐसा हमारी करियो, जैसा उसको कांधा दिया वैसे सबको दियो। पीपल पटवारी की कहानी। एक गुजरी थी, उसने अपनी बहू से कहा कि तू दूध दही बेच के आ। वह बेचने गई तो रास्ते में औरतें पीपल पटवारी सींच रही थी। उनको सींचता देखकर बहू ने पूछा कि तुम यह क्या कर रही हो? औरतें बोली कि हम पीपल पटवारी सींच रही हैं, इससे अन्न और धन होता है, 12 वर्ष का बिछड़ा हुआ पति मिल जाता है। बहू बोली, ऐसी बात है तो तुम तो पानी से सींचती हो, मैं तो दूध से सींचूंगी। अब तो गुजरी बहू रोजाना दूध दही बेचने ही नहीं जाती, वह रोजाना दूध तो पीपल में और दही पटवारी में सींचती। सास दूध दही का दाम मांगती तो कह देती कि महीना पूरा हो जाने पर दे दूंगी। कार्तिक का महीना पूरा हो गया, पूनम का दिन आया। बहू पीपल पटवारी के पास जाकर बैठ गई। पटवारी ने पूछा कि तू मेरे पास क्यों बैठ गई? तब बहू बोली कि सासू दूध दही का दाम मांगेगी। पीपल पटवारी बोली कि मेरे पास क्या दाम रखा है, ये भरा डिंडा पान पतूरा है, इसको ले जा। बहू ने वही ले जाकर कोठरी में रख दिया और डर के मारे कपड़ा ओढ़कर सो गई। सासू बोली कि बहू पैसे ला। बहू बोली कि कोठरी में रखा है। सासू ने कोठरी खोल के देखी तो हीरा मोती जगमगा रहे हैं। सासू बोली कि बहू इतना धन कहाँ से लाई? बहू ने आकर देखा तो सच्ची में ही धन भरा हुआ है। बहू ने सासू को सारी बात बता दी। सास ने कहा कि अब की कार्तिक में मैं भी पटवारी सींचूंगी। कार्तिक आया, सास दूध दही तो बेचकर आ जाती और हांडी धोकर पीपल पटवारी में चढ़ा देती। आकर बहू से कहती कि मेरे से दाम मांग। तब बहू कहती, सासू जी कोई बहू भी दाम मांगती है क्या? पर सासू कहती कि तू मांग। बहू बोली कि सासू जी पैसे लाओ, तो वह पीपल पटवारी के पास जाकर बैठ गई। पीपल पटवारी ने सासू को भी पान पतूरा भरा डिंडा दे दिया। उसने वही ले जाकर कोठरी में रख दिया। बहू ने खोलकर देखा तो उसमें कीड़े मकोड़े बिलबिला रहे हैं। बहू ने कहा, सासू जी यह क्या है?
तब सास ने आकर देखा और बोलने लगी कि पीपल पटवारी तो बड़ी दोगली पटपीटन है, इसको तो धन दिया और मुझको कीड़ा मकोड़ा दिया। तब सब कोई बोलने लगे कि बहू तो सत की भूखी सींचे थी, तुम धन की भूखी सींची। हे पटवारी माता, जैसा बहू को दिया वैसा सबको देना, जैसा सास को दिया वैसा किसी को मत देना। लपसी तपसी की कहानी। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता, लपसी रोजाना सवा शेर का हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर टाली हिलाकर जीम लेता। एक दिन दोनों में झगड़ा हो गया। लपसी बोला मैं बड़ा, तपसी बोला मैं बड़ा, क्योंकि मैं भगवान की तपस्या करता हूँ। नारद जी बोले कि तुम्हारा फैसला मैं करूँगा। दूसरे दिन तपसी नहाकर आने लगा तो नारद जी ने 1.25 करोड़ का मुंदड़ा तपसी के आगे गिरा दिया। उसने आंख खोलकर देखा तो मुंदड़ा पड़ा था, उसने उठाकर पैर के नीचे दबा लिया और तपस्या करने लगा। उधर लपसी ने 1.25 शेर का हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर टाली हिलाकर जीम लिया। इतने में नारद जी आए और दोनों को अपने पास बैठाया। दोनों पूछने लगे कि कौन बड़ा है। नारद जी ने तपसी से कहा कि अपना पाँव हटा। पाँव हटाते ही मुंदड़ा निकला। तब नारद जी बोले कि मुंदड़ा चुराने से तेरी तपस्या भंग हो गई है, इसलिए लपसी बड़ा है। तपसी कहने लगा कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद जी बोले कि तेरी तपस्या का फल कार्तिक नहाने वाली देंगी। सब कहानी कहकर तेरी कहानी नहीं कहेंगी तो कार्तिक का फल तुझे हो जाएगा। धोती देकर अंगोछा नहीं देंगी, सीधा देकर दक्षिणा नहीं देंगी, ब्राह्मण जिमाकर दक्षिणा नहीं देंगी, दीवा चासकर हाथ न जोड़े तो तेरा पुण्य होगा। कपड़ा देके बटन न लगावे, दाहिने हाथ नाड़ा बांधे तो सबका फल तुम्हें हो जाएगा। और इतना कहकर नारद जी चले गए। लपसी को फल लपसी ने हो जो, तपसी को फल तपसी ने हो जो, माँ की कथा कहानी को फल माने हो जो। बिंदाई जी की कहानी। एक बुढ़िया माई थी, वह मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी। वह मिट्टी के गणेश जी रोज बनाती, रोज गल जाते। सामने एक सेठ का मकान बन रहा था तो वह वहां जाकर बोली कि पत्थर का गणेश बना दो। मिस्त्री बोले जितने में हम तेरा पत्थर का गणेश गढ़ेंगे उतने में अपनी दीवार न चीनेंगे। बुढ़िया बोली कि राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब उनकी दीवार टेढ़ी हो गई। वो बनावे और ढा देवे, बनावे और ढा देवे, इस तरह करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ आया और उसने कहा आज कुछ भी काम नहीं किया। तो मिस्त्री कहने लगे कि एक बुढ़िया आई थी, वो कह रही थी कि मेरा पत्थर का गणेश गढ़ दो, हमने नहीं गढ़ा तो उसने कहा कि तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए, जब से दीवार सीधी ही नहीं बन रही। सेठ ने बुढ़िया को बुलवाया और कहा कि हम तुझे सोने का गणेश मण देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दो। सेठ ने बुढ़िया को सोने का गणेश मंडवा दिया और सेठ जी की दीवार सीधी हो गई। हे बिंदायक जी महाराज, जैसे सेठ की दीवार सीधी करी वैसे सबकी करना। कहता न सुनता न हुकारा भरता ने सारे परिवार की रक्षा करना। हे कार्तिक महाराज, सबकी मनोकामनाएं पूरी करना, सबकी रक्षा करना। जय श्री राधे।